भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक सेठ था, रात को सो रहा था, 12 बजे रात को सेठ के सपने में लक्ष्मी प्रकट हुई। सेठ ने देखा, बड़ा खुश हुआ, लक्ष्मी मेरे घर पधारी है। लक्ष्मी ने कहा, सेठ मैं आज रुकने नहीं आई, मैं आज जाने आई। अरे सेठ ने कहा, ये क्या बोलती है? देख लक्ष्मी क्या बोल रही है, मजाक मत करो। लक्ष्मी ने कहा, कोई मजाक नहीं, 20 साल हो गए तेरे साथ रहते रहते, अब आज मेरा मन कर रहा है कि तुझे छोड़कर मैं पड़ोसी के घर चली जाऊं। सेठ ने कहा, लक्ष्मी मुझे छोड़े ये तो ठीक है, लेकिन तू जा कहां रही है? बोले पड़ोस के घर। बोले सत्यानाश, पड़ोस के घर में क्यों जा रही है? जाना है तो पूना चली जा, बंबई चली जा, मेरी बाजू में क्यों, मेरी छाती पर दाल दलेगी? लक्ष्मी ने कहा, बस सेठ मेरा समय हो गया, मैं जा रही हूं। सेठ ने बहुत पैर पकड़े, देख लक्ष्मी तू प्लीज मुझे छोड़ के मत जा, देख तेरे बिना मेरा क्या अस्तित्व रहेगा। अरे सेठ तुझे मालूम है मैं चंचल हूं, मैं स्थाई एक जगह कभी रहती नहीं हूं, मैं आती हूं और चली जाती, मैं जाऊंगी। सेठ ने कहा, लक्ष्मी तेरे पैर पड़ रहा हो। सेठ लक्ष्मी के चरणों में लेट गया, लक्ष्मी मुझे छोड़ के मत जा। लक्ष्मी ने कहा, मैं तो जाऊंगी। सेठ ने कहा, देख यदि तू चली गई तो कल से कोई मुझे सेठ नहीं कहेगा, तू चली गई तो कोई राम राम नहीं करेगा, कोई जय जिनेंद्र नहीं करेगा। अरे कोई की बात तो छोड़ो, घर के लोग ही मेरी इज्जत करना बंद, तू मुझे छोड़ के मत जा। एक काम कर लक्ष्मी, देख तू जा रही है ना, तो एक काम कर, मुझे छोड़ के तू मत जा, तू चाहे तो मेरा एक आध मकान कम कर ले, लेकिन छोड़ के मत जा। तू चाहे तो मेरा एक आध दोस्त कम कर ले, और भी इच्छा हो तेरी तो एक आध रिश्तेदार कम कर ले, लेकिन तू मुझे छोड़कर मत जा। लक्ष्मी ने कहा, नहीं जाऊंगी मैं तो। अरे सेठ बहुत रोया, बहुत रोया कि लक्ष्मी देख पूरा सब लूट ले, लेकिन तू मुझे, मैंने देख 25 साल तेरी सेवा की, 20 साल तेरी सेवा की है, तू मुझे छोड़कर मत जा। लक्ष्मी को बड़ी दया आई, नारी है दया आ गई। लक्ष्मी ने कहा, सेठ ये तो सच है कि 20 साल 25 साल तूने मेरी सेवा की। बोले देख लक्ष्मी, तेरे लिए मैंने दोस्तों से दोस्ती छोड़ दी, तेरे लिए मैंने रिश्तेदारों की इज्जत करना छोड़ दी, तेरे लिए मैंने सबसे नाते तोड़ लिए, तू तो मुझसे नाता मत तोड़। लक्ष्मी ने कहा, तूने तोड़े, मैंने थोड़ी कहा था, थोड़ी सी क्या आ गई, अकड़ के चलने लगा है, मैं जा रही हूं तुझे छोड़ के। नहीं लक्ष्मी देख, मुझे छोड़ के मत जा, तेरे बिना मेरा जिंदगी बेकार हो जाएगी। लक्ष्मी ने कहा, सेठ इतना गिड़गिड़ा रहा है, इतना रो रहा है, तो चल तुझ पे रहम। अरे बोले आ गया रहम, बोले आ गया, अरे बोले बस अब मैं खुश। अरे बोले सुन पूरा, ऐसे कैसे रहम आ गया, ऐसा रहम थोड़ी आया कि मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी, तो मैं जरूर। बोले जाओगी? बोले हाँ, बस एक काम। लक्ष्मी ने कहा, एक काम कर, मैं जाऊंगी जरूर, लेकिन जाते जाते तुझे एक वरदान देना चाहती हूं। अब सेठ भी बनिया था, उसने कहा, यार एक वरदान हो गए बारे न्यारे, अब लक्ष्मी तुम फंस गई मेरे चक्कर में है? अरे सेठ ने कहा कि लक्ष्मी एक वरदान, लक्ष्मी ने कहा ध्यान रखना, वरदान एक ही मिलेगा, दो नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। सेठ ने कहा, बस एक में ही कर लूंगा मैं अपना काम। बोले एक में तू कर क्या लेगा, लेकिन मैं जाऊंगी जरूर, एक बात ध्यान रखना, एक वरदान देना चाहती हूं। सेठ ने कहा, एक वरदान? बोले हाँ। बोले मांग। अब सेठ तो बनिया था, ये तुरंत तो कुछ मांगता नहीं है, बनिया ध्यान रखिए वो थोड़ा इंतजार कराता है, थोड़ी मीटिंग करेगा, थोड़ी सलाह करेगा, विचार विमर्श होंगे, एक विरोध करेगा, एक समर्थन करेगा, प्रस्ताव पास होगा तब वरदान मांगा जाएगा। ध्यान, तुम क्या सोच रहे कि मैं बारामती ऐसे ही आ गया हूं? सेठो
बड़ी मीटिंगें करना पड़ी, इकट्ठा करना पड़ा, विचार करना पड़ा, चौकी कौन लगाएगा, व्यवस्था कौन करेगा, कौन संभालेगा, क्या होगा क्या नहीं। ये स्वाभाविक है, मानव जीवन में ये चलता है। बनिया बिना सलाह के कुछ नहीं करता, वो तो अच्छा है पंचम काल में मोक्ष नहीं हो रहा, वरना मैं मोक्ष जाता तो कमेटी के अति पहले मीटिंग में पास होगा, उसके बाद आपको मोक्ष जाना। अच्छा हुआ मोक्ष नहीं होता है, ध्यान रखिए, विचार करिए। बनिया ने कहा कि नहीं, जितने भी वकील है ना देश में, 90% बनियों के पैसों में पल रहे हैं, ध्यान रखिए, क्योंकि सारे केस तो बनियों के ही अदालत में, और किसके है। विचार करिए आप, सोचिए, सेठ ने कहा बस एक वरदान, बस लक्ष्मी मुझे एक रात की मोहलत दे दे, एक रात की, अरे मांग लेना सेठ, नहीं पहले सलाह करूंगा फिर लूंगा। बनिया कभी घाटे का सौदा जिंदगी में नहीं करता है, बोले पहले सलाह करूंगा। लक्ष्मी ने कहा लेकिन एक बात ध्यान रखना सेठ, मैं तुझे छोड़ के जाऊंगी। हां बोले ठीक है। सुबह उठा सेठ, बनियों से सावधान रहो मेरे भाई, ध्यान रखिए। एक बनिया था, शिव जी की पूजा कर रहा था। अब पूजा करते करते क्या हुआ, शिव जी प्रकट हो गए। वैसे बनियों पे भगवान बहुत कम खुश होते हैं, लेकिन हो गए तो हो गए। शिव भी भोले बाबा, उनने कहा यार चलो बनिया है, ले मान वरदान बनिया। बनिया ने कहा वरदान, बोले हां। बोले तुम कौन हो, बोले मैं महादेव, मैं भोलेनाथ। बोले पक्का बताओ, अरे उनने कहा तेरे जैसा बेईमान थोड़ी हूं भाई, भगवान हूं तो हूं, प्रकट हो गया, मांग ले वरदान। बोले पहले बताओ सही में दोगे या नहीं दोगे। अरे बोले बेईमान, तू कह के मुकर जाए लेकिन मैं नहीं मुकरूंगा, मांग वरदान। लेकिन एक वरदान मांगना बनिया, तू लोभी है, तू एक से तृप्त नहीं होता, एक ही वरदान मांगना। उसने कहा ठीक है एक वरदान मांगूंगा। तो बोले मांग ले। बोले 2 घंटे की मोहलत, बनिया तुरंत कभी नहीं मांगता, 2 घंटे की मोहलत। शिव जी ने कहा जा, 2 घंटे दिए, लौट के आ। जैसे ही घर गया, आंगन में बूढ़ी माँ बैठी थी, माँ ने कहा क्यों रे इतनी जल्दी मार्केट से लौट के आ गया, आज दुकान धंधा नहीं हुआ। अरे बोले छोल बुढ़िया काय का दुकान धंधा, एक बात बता, शिवजी प्रकट हुए हैं। तो बोले प्रकट हुए तो तेरा क्या फायदा है उसमें। अरे बोले मुझे वरदान दे रहे हैं। बोले हो ही नहीं सकता, तुझे कैसे वरदान दे देंगे। बोले दे रहे हैं माने दे रहे हैं। तो बोले तो बोल क्या चाहता है। बोले अम्मा एक बात बता, शिवजी से कौन सा वरदान मांगूं, एक ही देंगे वो, 2 नहीं देंगे। तो बुढ़िया ने कहा देख मेरी उम्र 80 साल हो गई बेटा, 80 साल से तुझे पाल पोस के बड़ा किया है, मेरी जन्म से आंखें नहीं है, शिवजी से कहना मेरी माँ को आंखें दे दो। बनिया ने कहा धत तेरे की बुढ़िया 80 साल नहीं देखी, 20 साल और देख के कर क्या लेगी, है? क्या करेगी, आंखें मांग करके सारी जिंदगी गुजार दी। बुढ़िया ने कहा जब कहना नहीं मानना तो फिर मुझसे क्यों बोल रही है। अंदर गया, पत्नी से बोला शिवजी प्रकट हुए, बता क्या वरदान मांगो। पत्नी ने कहा अकल भी नहीं है तुमको, क्या वरदान मांगो। बोले क्या, बोले 15 साल शादी को हो गए तो बोले क्या करूं, बोले एक भी बच्चा नहीं हुआ है, जाओ शिवजी से कहना एक बच्चा दे दो, हमारा जीवन निहाल हो। उसने कहा धत तेरे की पागल, बच्चा तो अनाथ आश्रम से ले आएंगे, उसमें शिवजी को लपेटने की क्या जरूरत है। पत्नी ने कहा भाड़ में जा, मुझे मालूम है तू क्या मांगेगा, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। बनिया को क्या चाहिए, नोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही गया लौट के शिवजी के पास, शिवजी ने कहा बोल बनिया क्या चाहिए, एक ही वरदान मांगना। बनिया ने कहा एक ही मांगूंगा, 2 नहीं मांगूंगा। तो शिवजी ने कहा मांग ले। बोले पहले पक्का बताओ दोगे या नहीं दोगे। अरे बोले दूंगा बेईमान, जरूर दूंगा। तो बोले फिर तैयार हो जाओ शिवजी, दे दो मुझे वरदान। बोले मांग। बोले बस मुझे एक ही वरदान दे दो महादेव, भोलेनाथ एक वरदान दे दो, मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते देखे।